अगर आप एक CSC BLE हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए CSC के माध्यम से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। अब जितने भी CSC BLE भाई हैं, उन सभी को CSC के माध्यम से आधार एनरोलमेंट का काम मिलना शुरू हो चुका है। अब सभी BLE को आधार सेंटर मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को दिखाने वाले हैं किस प्रकार से आप सभी को आधार सेंटर मिलेगा, किस प्रकार से आप सभी को आधार सेंटर रजिस्ट्रेशन करना है, ताकि आप लोगों को भी जल्द से जल्द आधार एनरोलमेंट सेंटर मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मेरे पास एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें बताया गया है देवघर के 194 पंचायतों में जल्द शुरू होगा आधार सेंटर। CSC स्टेट टीम ने देवघर की बेली को दिया प्रशिक्षण। दोस्तों जो है, झारखंड के जितने भी बेली भाई हैं, उन सभी को आधार सेंटर मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप भी उस स्टेट के CSC बेली हैं, हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी को किस प्रकार से कॉन्टैक्ट करना है, किस प्रकार से आप सभी को आधार सेंटर मिलेगा, ये भी हम बताएंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि यहाँ बताया गया है, देवघर के सभी पंचायतों में जल्द शुरू होगा आधार कार्ड बनाने का काम। झारखंड सरकार की ओर से आधार कार्ड बनाने को लेकर हो रही समस्या को देखते हुए फैसला लिया था कि आधार कार्ड बनवाने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए झारखंड के सभी पंचायतों में आधार सेंटर खोला जाएगा और यह काम CSC को दिया गया है। और CSC भी काम में तत्परता दिखाते हुए UID के साथ मिलकर कई पंचायतों में आधार कार्ड का काम शुरू भी कर दिया है। साथ ही देवघर के सभी 194 पंचायतों में जल्द से जल्द आधार कार्ड का काम शुरू हो, इसके लिए CSC के स्टेट टीम और UIDAI की टीम आज देवघर पहुंचे और सभी BLE को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कैसे काम करना है, इसकी भी जानकारी दी गई है। साथ ही कटवन पंचायत के प्रज्ञा केंद्र अमेलवा में आधार अपडेट का काम आज शुरू कर दिया गया है। आगे देवघर के DM संतोष कुमार, सत्यम कुमार और जितने भी बेली भाई हैं, यहां बताया गया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें जो है बेली भाइयों को प्रशिक्षण के तौर पर बताया गया है कि किस प्रकार से आप लोग नया आधार कार्ड बनाएंगे, नया आधार कार्ड बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, आधार कार्ड अपडेट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड किस प्रकार से अपडेट होगा, सारी चीज़ें जो है ये सब चीज़ें बताई गई है, ताकि बेली आगे कोई गलती ना करें और उनकी एक भी गलती कारण उनकी ID ब्लॉक ना हो, इसीलिए इन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। तो बात कर लेते हैं जितने भी CSC बेली भाई हैं, जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, अगर आप भी आधार सेंटर लेना चाहते हैं, तो अगर आप झारखंड के BLE हैं, तो आप लोग फटाफट अपने स्टेट टीम से कांटेक्ट कीजिए, वही आपको जो है आधार सेंटर लेने का पूरा प्रोसेस बताएंगे, A to Z प्रोसेस बताएंगे। आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म का आपको फिलअप करना होगा, उसके बाद आपको जो है पंचायत भवन में आपकी ड्यूटी लगेगी, तत्पश्चात आपको जो है आधार सेंटर दिया जाएगा। फिलहाल अभी जो ये योजना जो है झारखंड स्टेट में लागू की गई है, अदर स्टेट में जैसे ये योजना आती है हम आप सभी को फटाफट बताएंगे। साथ में ही अगर आपका उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर आपका दिल्ली हो गया, चंडीगढ़, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु वगैरह जितने भी और स्टेट हैं, अगर यहाँ पर भी अगर आधार सेंटर काम स्टार्ट होता है, नया आधार कार्ड बनना चालू हो जाता है, तो हम सभी को फटाफट वीडियो बनाकर जरूर बताएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो का समाप्त करते हैं और हाँ, मिलते हैं आप एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।